असलम माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली कैसे आप सब लोग का आयोक सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज है मेरे घर ग्रैंड दावत तो मैं रेसिपीज आप लोग के साथ शेयर करूंगी सबसे पहले पहले जो मैं काम करती हूँ मैं ले लेती हूँ यहाँ पर बिरयानी के लिए चिकन जिसमें मैंने वन वन टेबल स्पून तक अदरक और लहसन का पेस्ट ऐड किया है हाथ की ज़रूरत नमक ऐड किया है वन टी स्पून मैंने इसके अंदर आया मिर्च वन टी स्पून जीरा पाउडर और वन टी स्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया है साथ ही मैंने एक फुल पैकेट बिरयानी मसाले का ऐड कर दिया है और जब भी मैं अपने घर में दावत रखती हूँ हमेशा जो मेरी नशे वाली चीज़ें होती हैं कोशिश करती हूँ कि इनको एक दिन पहले मैं फ्रिज में रख दूँ इसके साथ ही यहाँ पर मैंने दो जो है हरी मिर्चें कूट कर इस तरह से ऐड कर ली हैं और साथ इसके अंदर जाएगा एक कप तक फेंटा हुआ दही और तकरीबन वन टेबल स्पून तक इसके अंदर मैंने लेमन जूस के ऐड किए हैं आप लोग यकीन कीजिए कि आप लोग इस तरह से अपनी बिरयानी को रेडी कीजिए जानिए कि इतना टेस्टफुल बिरयानी बनती है ना बहुत ही मज़े की बनती है तो बस इसको मैंने फ्रिज में रख लिया था और ये मैं ना इफ्तार के बाद ही मैंने रात को बनाना स्टार्ट कर ली थी उसके बाद ना नेक्स्ट डे मेरे घर ना दावत थी तो यहाँ पर मैंने वन के तक यहाँ पर सॉरी वहाँ वन लीटर तक मैंने यहाँ पर मिल्क ले लिया है और मैंगो कस्टर्ड मैंने लिया इसको मैंने थोड़े से दूध में इस तरह मिक्स किया है और भी जरूरत चीनी ऐड करके ना दूध में तो मैंने इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर लिया है कस्टर्ड बनाना सबको ही आता है बहुत ही ईजी होता है तो बस यहाँ पर हम लोग इसको इतना पकाएंगे तकरीबन तीन से चार मिनट तक ताकि अच्छे से ना पक जाए अगर आप कस्टर्ड को थोड़े टाइम के लिए बनाते हैं तो वो कुछ टाइम बाद ही फ्रिज में ना पानी छोड़ लेता है आप कोशिश करें कि कस्टर्ड ऐड करने के बाद तकरीबन चार से पाँच मिनट तक ज़रूर उसको हल्की आँच पर कुक करें ताकि कस्टर्ड फुली कुकड हो जाए और बिल्कुल भी पानी ना छोड़े यहाँ पर हम लोग अब कस्टर्ड ट्राइफल बनाने जा रहे हैं तो मैंने यहाँ पर ना केक की एक लेर लगा ली थी और इसके ऊपर मैं इस तरह से मिल्क ऐड करूँगी और ये भी बहुत ही मजे की टिपे यकी जाए केक बहुत मजे करना टेस्ट देता है इस तरह ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है और इसके ऊपर ही ना हम लोग इस तरह कस्टर्ड सारा जो है ना बोल लगा लेंगे लेयर एक पूरी गला मेरा बहुत ही ख़राब था और ये कुछ दिन पहले की वीडियो है लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि गला मेरा बहुत शदीद ख़राब था लेकिन आज मैंने सोचा कि बस कर लेती हूँ क्योंकि आलमोस्ट मेरे पास वीडियोस और भी हो गई थी तो मैंने कहा कि चले इसको पहले निपटा लें इसका काम तो फिर आगे ना दूसरे वीडियो को भी हम वॉइस ओवर करेंगे यहाँ पर ना मैंने विपिंग क्रीम ले ली थी उसको मैंने इस तरह से ना विप किया कि बहुत ज़्यादा हार्डली विप नहीं किया बस सॉफ्ट सा ही रखा है इसको हमने जैसे हम लोग केक के लिए करते हैं ना मैंने उस तरह नहीं किया उससे ना मैंने थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट रखा है इसको तो एक फुल लेयर सारी इसकी लगा लेंगे इसके ऊपर ये इतना टेस्टी कस्टर्ड बनता है कस्टर्ड ट्राइफल कह लें आप इसको कोई भी आप इसको नाम दे दें लेकिन यकीन जानो कि इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है ना बहुत ही मज़े का ना इसका टेस्ट होता है मेरा तो बिल्कुल मोस्ट फेवरेट है हालांकि मीठा मुझे इतना नहीं है पसंद लेकिन यकीन जाने कि इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है यहाँ पे मैंने पर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह कैरीमल डाला है इस तरह इसको डिज़ाइन देने के लिए और ये ऑप्शनल अगर आपके पास हो तो आप डिज़ाइन दे दे नहीं तो इसका वैसे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है साथ ही मैंने ग्रीन कलर की जो जेली थी वो मैंने मैंने बना के फ्रिज में रख ली थी तो इसको इस तरह से मैंने पीसेस कट की और इसको हम लोग सारी इस तरह से ना साइड पर इसके एक लेयर लगा लेंगे तो ये मेरी एक टिप है कि जब भी आप लोग किसी की दावत करें रात को ही मीठा बना के रख लें फ्रिज में एक तो अच्छे से बहुत ठंडा हो जाता है और मीठा जितना ठंडा होता है उतना ही मज़े का लगता है और दूसरा ये होता है कि मीठा जब आप लोग एक दिन पहले बना के रख लेते तो अगला दिन बहुत ही ईजी हो जाता है तो यहाँ पर मैंने अगेन एक के वन लीटर तक मिल्क ले लिया पता नहीं आज मैं खीजी क्यों कह रही हूँ बार बार इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ना एक पैकेट तक मैंने खीर मिक्स के ऐड किया था और साथ ही मैंने तकरीबन दो से तीन टेबल स्पून तक इसके अंदर सूजी ऐड की है और थोड़ा सा ना मैंने चार पाँच टेबल स्पून चावल भिगो के रखे थे ना उसको मैंने ऐड कर लिया है यकीन जाने कि बहुत ही मज़े की खीर रेडी होती है आप लोग जरूर इसको ट्राई इस तरह कीजिएगा साथ ही मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया और बस इसको गाढ़ा होने तक हम लोग बाउल में ऐड करेंगे और फ्रिज में रख लेंगे ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और सबसे पहले पहले मैंने काम किया कि मैं कढ़ाई बना लूँ और आज मैं बहुत ही मज़ा डार्क अफगानी कढ़ाई बनाने जा रही हूँ इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिए साथ ही मैंने तकरीबन आधा किलो तक टमाटर लिए तो हैं और इनको ना मैंने इस तरह से ना हल्की आंच के ऊपर ना मैंने इनको कुक कर लिया था ताकि ना अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाए और इनके जो छिलके हैं ना वो अच्छे से सारे रिमूव हो जाए तो ये जितने देखें इतने सॉफ्ट हो गए कि छिलके आसानी के साथ रिमूव हो जाते हैं और बहुत ही मजे की यह बनती है आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा बहुत ही ईजी रेसिपी है मतलब ये कि अगर कुक रेसिपी आपको चाहिए तो बहुत ही ईजी है आप लोग ईद पर भी इसको ट्राई कर सकते हैं तो सारे टमाटरों को हमने इस तरह ब्लैंडर में डाल के इसको ब्लैंड कर लिया था यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप तक ऑयल लिया इसके साथ ही मैंने तकरीबन एक के जी तक ना चिकन इसके अंदर ऐड कर लिया था अब चिकन को हम लोग इतना पकाएंगे कि इसका कलर जो है ना पिंक से वाइट हो जाए तो यहाँ पर हमने चिकन को तकरीबन तीन से चार मिनट तक फ्राई किया ताकि वो वाइट हो जाए साथ ही हमने इसके अंदर वन वन टेबल स्पून तक अदरक लहसन का पेस्ट ऐड कर लिया और तकरीबन तीन से चार अदर सब्ज मिर्चें मैंने पीस के इसके अंदर ऐड कर लिए हैं इनको मैंने हल्का सा फ्राई किया इसके साथ ही जरूरत नमक ऐड किया है और साथ ही तकरीबन वन एंड हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया है बस इसके अंदर और कुछ भी मिसाले नहीं जाएंगे सिर्फ ब्लैक पेपर में ही इतनी मज़दार किस्म की बन जाती है साथ ही हमने जो टमाटर ब्लेंड करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और बहुत ही मिनिमम से मिसालों के साथ इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो बस अब हमने यहाँ पर एक दो मिनट यहाँ पर फ्राई कर लिया था और इसके साथ ही अब हम इसको ना ढक के हल्की आंच के ऊपर तकरीबन पाँच से छः मिनट तक इसको कुक कर लेंगे ये देखिए जैसे ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग जाएगा चिकन अच्छे से गल चुका है इसको हम हल्का से यहाँ पर फ्राई करेंगे थोड़ा सा और साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन वन टी स्पून तक गर्म मसाला ऐड करेंगे और तकरीबन फ़ोर टू फाइव टेबल स्पून तक मैंने दही फेंट के इसके अंदर ऐड कर लिया है बस यहाँ पर हल्की आंच के ऊपर दही को हम लोग एक मिनट तक पकाएंगे और जैसे ही देखिए ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा तो बस कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है बाकी गार्निशिंग इसको हम लोग सर्व करते हुए करेंगे यहाँ पर अब आ जाते हैं चना चाट की तरफ ये मेरी मोस्ट फेवरेट चना चाट और ये बहुत ही मज़े की बनती है मैंने तकरीबन आधा किलो तक यहाँ पर चने बॉयल कर लिए थे और जो उनके बॉयलिंग में पानी होता है वो मैंने इसके साथ ही ऐड कर लिया अगर आपके पास वो पानी नहीं तो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी दो कप तक ऐड करेंगे इसके साथ इसके अंदर हाथ भी जरूरत नमक चाहिएगा वन टी तक धड़ा मराज ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर और वन टी स्पून गर्म मसाला ये सारे मसाले हमें इसके अंदर ऐड करेंगे साथ ही तकरीबन तक थ्री टेबल स्पून तक मैंने इसके अंदर ना इमली की चटनी ऐड कर ली बस इसको हम हल्की आँच के ऊपर कुक होने के लिए रख देंगे और देखिए जैसे ये कुक होगा तो इस तरह गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा इसके साथ ही मैंने इसके अंदर तकरीबन दो बड़े साइज के आलू जो है ना वो बॉयल किए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड किए और अच्छे से इनको मिक्स किया और हल्की आंच के ऊपर ना मैंने इनको एक मिनट के लिए दम के लिए रख दिया था तो बस चाट हमारी रेडी हो चुकी है मैंने इसको इस तरह से बाउल में ऐड कर लिया था इसके लिए मैंने टमाटर प्याज और साथ ही मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने ये सारा कट किया तो वो मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर लिया जितने ज़्यादा आप इसके अंदर टमाटर और प्याज डालेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा इसका साथ ही मैंने इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर लिया तो तकरीबन थ्री से फोर टेबल स्पून तक मैंने इसके अंदर न लेमन का जूस ऐड किया है और अगेन मैं इसके अंदर इमली ऐड करूँगी तकरीबन थ्री से फोर टेबल स्पून तक क्योंकि ये खटी खटी चाट बहुत ही मज़े की लगती है तो हम लोग इसको ना अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसको अपने सर्विंग बाउल में ना निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ और मैंने ऐड नहीं करना तो इसलिए इसको बेहतर होगा कि हम अपने बाउल में ऐड करें और यहाँ पर ना तकरीबन ये चार बजे का टाइम था बस मेरे पास थोड़ा ही टाइम बाकी रह गया था इसलिए मैं फ्रेशली सब कुछ ना चीज़ें ऐड करके ना बस सारा कुछ रेडी कर रही थी यहाँ पर मैंने फ्रेश लुक के लिए इसके ऊपर भी टमाटर प्याज और साथ में मैंने सलाद पत्ता ऐड कर लिया और थोड़ी सी पापड़ी हम लोग ऐड करेंगे तो बस इस तरह इसको ना मैं क्लिंग रैप से इस तरह रैप करके रख दूँगी ताकि ये फ्रेश रहे क्योंकि अभी ना अवतार में तकरीबन दो घंटे तक थे इस तरह से तो बस यहाँ पर आप लोग दही बल्ले रेडी करेंगे मैंने आलू लिए बॉयल साथ में छोटी बलियाँ ली और साथ में बड़े जो बल्ले थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली और इनको ना मैंने पानी में भिगो के पहले से रख लेते दही फुल्के को भी और साथ में बड़ों को भी तो इसको हम लोग सर्विंग बाउल में इस से ऐड करेंगे और थोड़ा सा ना मैं इसको इस तरह से मिक्स कर लूँगी सारा ताकि सारी चीज़ें ना बिल्कुल एक सी हो जाए इसके बाद इसके ऊपर भी हम लोगों ने प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्चें और सारी चीज़ें जो है ना हम लोग ये इसके ऊपर ऐड कर लेंगे साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ना सब धनिया के पत्ते और सब पुदीने के पत्ते मैंने ऐड किए थोड़ा सा मैं सलाद पत्ता ऐड करूँगी मुझे तो दही बल्लो में ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है और साथ ही फ्रेश इमली की चटनी जो है ये मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी मेरे पास इमली की चटनी जो मैंने खुद रेडी की थी वो भी थी लेकिन ये मैंने फ्रेश ना आलू बुखारा इस तरह से थोड़ा सा सॉरी आलू इमली ना मैंने भिगो के रखी थी बिरयानी के लिए तो फिर मैंने सारी इनके अंदर भी ऐड कर ली थी इसके साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है और साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन थ्री से फोर टेबल स्पून तक लेमन जूस जो है वो लगा लेंगे इसके अंदर और बस इसको मैं साइड पर रख लूँगी क्योंकि इसके अंदर दही में बिल्कुल बस अफ्तार से ना दस मिनट पहले इसके अंदर ऐड करूँगी चलिए जी आ जाते हैं बिरयानी मसाले की तरफ यहाँ पर मैंने हाफ कप तक ऑयल लिया है इसके साथ ही मैंने दो बड़े साइज़ की प्याज कट करके ऐड कर ली है जब प्याज जैसी गोल्डन ब्राउन हुई इसके साथ ही हमने जो मसाला मैरिनेट करके रखा था और यकीन जानिए जब मैंने इसका ढक्कन हटाया ना पूरे किचन में बिरयानी की खुशबू अभी से आने लगी थी जब आप इस तरह से चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं बिरयानी फुल ऑफ टेस्ट होती है और बहुत ही मज़ाक से वो चिकन जो है ना वो जूसी सा बनता है इसके साथ ही मैंने चार से पाँच अगर टमाटर तो कट करके इस तरह ऐड कर लिया और मैंने चिकन को ना ज़्यादा कुक नहीं किया था बस टमाटर मैंने ऐड किए और इसको ना मैंने कुक होने के लिए रख दिया ढक के तो ये देखिए तकरीबन चार से पाँच मिनटों में टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं अब यहाँ पर हमने इसको इतना पकाना है कि ऑयल जो बिल्कुल सेपरेट हो जाए और टमाटर तो वैसे भी बहुत अच्छे से गल गए हैं तो बस हल्का से हम लोग चम्मच लगाएंगे तो टमाटर जो है ना बिल्कुल पीस जाएंगे साथ ही हम लोग इलायची जो है ये सारे रिमूव कर लेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड को इलायची बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर गलती से कोई एक रह भी तो वो आती उनके पास ही है तो बहरहाल बस बिरयानी डन हो चुकी थी मैंने मसाला उसका रख लिया साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़े से आलू बोल कर लिए थे और ये मैंने बनाने हैं आलू के समोसे इसके अंदर मैंने धनिया और पुदीने के पत्ते ऐड किए मिर्चें बाकी जो मसाले होते हैं धड़ा मरच जीरा पाउडर धनिया पाउडर थोड़ा सा मैंने इस तरह क्रश करके भी धनिया ऐड किया और साथ में चाट मसाला वन एक लीमू और साथ में मैंने थोड़ा सा इसके अंदर आमचूर का पाउडर भी ऐड किया था बस ये हमारा आलू का मिक्सचर रेडी है बहुत ही मज़े के फ्रेशली बन गए थे ये देखिए इस तरह से मैंने आलू के भी समोसे बना लिए थे में कि मैंने ऑलरेडी पहले बनाए हुए थे तो मैंने सोचा कि चने आलू के भी साथ में बना लेती हूँ यहाँ पर मैंने अब फ्रूट ले लिया है जब मेरे पास एप्पल साथ में अमरूद कीवी खरबूजा और बनाना वगैरह ये सब कुछ था मैंने इन सबको कट किया अच्छे से और स्ट्रॉबेरी भी थी और साथ मैंने खजूर भी कट करके इसके अंदर ऐड की थी और ऑरेंज भी कट करके ऐड किए थे इसके साथ ही देखिए मैं इसके अंदर केशमिश जो है ना उसको भी वॉश करके इसके अंदर ऐड करूँगी आप लोग भी खजूर और किशमिश लाजमी ऐड करके देखिए बहुत ही मजे का टेस्ट आता है तो बस हमने इसको अच्छे से मिक्स किया साथ ही इसके अंदर मैंने चाट मसाला ऐड किया थोड़ा सा और बस इसके अंदर ना मैंने इस तरह से थोड़ा सा मैंने चीनी लेके ना पानी में उसको किया और वो इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना लेमन ऑरेंज का जूस भी इसके अंदर ऐड किया था जो कि शायद थोड़ा ना स्किप हो गया बस ये देखिए जी मैंने जो फ्रूट चाट थी इनको मैंने बाउल में डाला और साथ में इसको कवर करके ना फ्रिज में रख लूँगी ताकि फ्रेश रहे हम आ जाते हैं प्याज के पकौड़ों की तरफ यहाँ पर मैंने तकरीबन तीन से चार बड़े साइज़ की प्याज कट की साथ ही मैंने सब्जी मिर्ची इस तरह जूरन कट कर लिया और धनिया और पुदीना ये सारा मैंने ऐड किया इसके अंदर हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये भी मैंने तकरीबन दो घंटे बना के ना पहले से ही रख लिया था इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी बेसन में ऑलरेडी मैं सब कुछ ऐड कर चुकी थी मसाले वगैरह तो बस इस तरह हम इसको मिक्स करेंगे और कवर करके ना रख देंगे पानी में इसमें ऐड अभी नहीं करूँगी क्योंकि सब्जी अपना पानी जो है ना वो छोड़ती हैं तो जब आ, मैं इसको पकाऊंगी तो जितना पानी मुझे ज़रूरत पड़ेगा तब मैं ऐड करूँगी आलू के लिए भी मैंने इस तरह से बेसन बना के ना रख लिया था आलू के पकौड़ों के लिए साथ ही ये खजूर की जो ड्यूटी है तायर की होती है तो उन्होंने ये काम कर दिया क्रीम जो है बस सिंपली खजूर कट करते हैं इसकी जो गुटली है उसको निकालते हैं और साथ में क्रीम हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं तो इसको भी मैं इस तरह फ्रिज में रख ताकि अच्छे से ना ठंडी रहे इसके साथ ही यहाँ पर आ जाते हैं शरबत की तरफ यहाँ पर मैंने टैंक बनाया और साथ ना मैंने शामीशीरी बनाया था तो टैंक में मैंने इस तरह से ऑरेंज था ना वो कट करके मैंने इसके अंदर उसका जूस ऐड किया तो यकीन जाने के टैंक बहुत ही मसेका बन गया था तो मैंने साइड पर रखा और बर्फ़ और पानी उसी वक्त ऐड करेंगे जब मेहमानों के आने का टाइम हो जाएगा इसके साथ ही अब फ्राइक स्टार्ट कर लेंगे तो बस यहाँ पर आप समझे कि तकरीबन आधा घंटा अफ्तार में बाकी रह गया था और जल्दी जल्दी होता है इस टाइम बस समझे कि बड़ी ही क्विक सर्विस लगी हुई होती है तो मैंने यहाँ पर फ्राइंग के लिए सबसे पहले ना मैंने चीज़ बॉल ऐड की थी इसकी रेसिपी मैं लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग काइंडली वहाँ पर जाके ना देख लीजिए तो मैंने वो रख लिए फ्राई होने के लिए फ्रीज थे तो इसलिए मैंने ना उनको आ, मीडियम आँच के ऊपर रखे कि देखीजिए कितने ज़बरदस्त किस्म के कोको हो गई थे साथ ही मैंने दही बल्लों में भी आपने देखा होगा दही वगैरह और इमली की चटनी और सब कुछ मैंने ऐड किया और उसको भी मैंने रख लिया इसके साथ ही यहाँ पर हम लोग अपने स्प्रिंग रोल जो है वो फ्राई कर लेंगे तो बस फ्राइंग का काम जो था ना मैंने जल्दी जल्दी से बस रेडी कर लिया क्योंकि पकोड़े मैं उसी वक्त फ़्रेशली जो है ना फ्राई करूँगी और बिल्कुल गरम गरम से ही टेबल पर जाते हैं पकोड़े हमेशा मेरा ये होता है कि गरम गरम ही पकाए जाएं तो ये देखिए बस आ गई थी पकोड़ों की बारी यहाँ पर बस तकरीबन समझे अब छः से सात मिनट ही बस रह गए थे तो जब तक पकौड़े फ़्राई होंगे तब तक इन से रोज़ा बिना इफ्तार हो ही जाएगा तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज के पकोड़े लिए प्याज के पकौड़े में मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया था ज़्यादा पानी ऐड करने की ना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी साथ ही ये आलू के पकोड़े भी साथ में फ्राई करी हूँ ये देखिए इस तरह से मैं चीज़ों को सारा डिश आउट भी करी मैंने कीमे के समोसे बनाए थे और साथ में आलू के भी बनाए थे और पकौड़े भी साथ साथ बस हैं ये फ्राई हो रहे हैं तो जाते हैं टेबल की तरफ यहाँ पर जल्दी से हम लोग टेबल सेट कर लेते हैं तो यहाँ पर आ गए फ्रूट चाट साथ में चना चाट दही बल्ले आ गए और आलू के समोसे कीमे के समोसे और साथ में स्प्रिंग रोल और चिकन चीज़ पोटैटो बॉल्स थे ये सारा मेरा इफ्तार टेबल था जो कि रेडी हो चुका था साथ ही मैंने इसके ग्री चटनी बनाई थी चटनी के क्यूब्स जो है ना मैंने पहले से बनाए हुए थे तो बस जस्ट मैंने दही में उसको ऐड किया और बना ली थी चटनी तो प्लान यही था कि इफ्तार के बाद डिनर होगा तो मैंने जल्दी से यहाँ पर आकर राइस जो है वो बॉईल होने के लिए रख लिए राइस कुक हो गए तो मैंने बिरयानी की लेयर्स लगा ली और पहले मैंने चावल डाले फिर सालन और साथ में फिर ऊपर चावल और साथ में मैंने यहाँ पर कलर ऐड किया कुछ जो थे मैंने लेमन के स्लाइसिस कट कर कर करके ऐड किए और साथ में ना धनिया और इसके बाद जो मैंने इमली जो थी तो भिगो के रखी थी उसका ना मैंने जूस इसके अंदर ऐड कर लिया और आप यकीन जानिए इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी ना कि बस सब ने बहुत तारीफ़ की और यहाँ पर मैंने अपनी अफवानी कढ़ाई को भी फाइनल टच दे दिया था मैंने इसके ऊपर धनिया ऐड किया अगर आपके पास अदरक हो तो वो भी जून कट करके ज़रूर ऐड करें मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया था तो बस इसको भी मैंने डिश आउट किया और इसके साथ ही यहाँ पर आ, मेरे पास ये सीख कबाब थे तो ये रेडीमेड ही थे तो इनको भी मैंने फ्राई कर लिया था और बस ये जब फ्राई होंगे तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पर बिरयानी वगैरह जो है सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था और खाना जो था ना वो इफ्तार जो था ना ऑलमोस्ट जो है ना वो बस फिनिश होने वाला था तो जल्दी से मैंने यहाँ पर खाना रेडी किया कि जब तक नमाज पढ़ते हैं तो मैं ना डिनर भी रेडी कर लूँ और आप ये देखिए इतनी मज़े के राइस बने थे ना बिल्कुल खिले खिले से राइस बने थे और बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनी मैं बार बार तारीफ करी हूं लेकिन यकीन जाने की बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी तो बस बिरयानी डिश आउट की और हम लोगों ने ना डिनर टेबल रेडी कर लिया था तो बस ये जी डिनर हो चुका था मीठा भी खा लिया गया था सॉरी वो क्लिप मैं नहीं ऐड कर सकी हूँ तो ये देखिए सारा किचन जो है मैंने क्लीन कर लिया बस सिर्फ डिनर प्लेट थी ना डाइनिंग टेबल पर थी और साथ ही बस यहाँ पर अब चाय की तैयारी थी मैंने गेस्ट के लिए चाय बनाई उसके बाद हम लोग लेट नाइट गए कोयटा से चाय पीने के लिए बच्चे और हस्बैंड थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है तो इसलिए हम लोग गए थे तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ना मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा इंशाल्लाह से फिर से मिलूंगी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़